बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम अब्दुल मजीद साइंस एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर। इन आवर लास्ट लेक्चर वी स्टडीड द ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इन टुडेज लेक्चर आई विल टीच यू द ब्रीफली इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आवर टॉपिक इज branches of biology. The first branch of biology is molecular biology. Here in molecular branch biology, the branch of biology which deal with the study of structure of organisms, cells and their organelles at molecular level. अब molecular biology biology की ऐसी branch है जिसके अंदर हम organism के structures की बात करते हैं, उसके बाद हम उसके cells की बात करते हैं और उसके बाद हम ऑर्गेनेलीज को मॉलिकुलर लेवल पर बात करते हैं। बात कर लेते हैं मॉलिकुलर लेवल की। मॉलिकुलर लेवल क्या होता है? मॉलिकुलर लेवल जो होता है एलिमेंटल फॉर्म की कम्बिनेशन होता है, ठीक है। लाइक H2, O2, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिकुलर लेवल। यानी कि हम मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की, उसके सेल्स की और उनकी ऑर्गेनेलीज की हम मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी कर रहे होते हैं। द वेरी नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास मौजूद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के साथ उसका क्या रिलेशन है? एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा होता है, उसे सराउंड किए हुए होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का उस इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है? अब इस रिलेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसके इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट के अंदर अब उसके पास ऑर्गेनिक चीज़ें आ रही हैं, इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें आ रही हैं, स्पेशली रिलेट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ। यानी कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर एक इन्वायरमेंट के अंदर एक ऑर्गेनिज़म रह रहा है तो ऑर्गेनिज़म अपने सराउंड कर रहा है इन्वायरमेंट को। अब उस ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के तौर पर, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है हमारे पास, तो उस तमाम के साथ जो उसका रिलेशन है हम उसे स्टडी कर रहे होते हैं और इस पूरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इकोलॉजी, इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी इज ए शॉर्टर टर्म बट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज ए ब्रॉडर टर्म। इकोलॉजी स्पेसिफिक टर्म है जो किसी भी एरियाज की, किसी भी एरिया, किसी भी लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर है उसी उसी लैंडस्केप की या उसी एरिया की। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी देन इकोलॉजी बिकॉज इन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी इज इंक्लूडेड। आवर थर्ड ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई यानी कि आम आँख से नहीं देखे जा सकते, वो तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। विच इन वी इंक्लूडेड बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजुआ, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एल्जी, ठीक है। ये तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आम आँख से नहीं देखे जा सकते। अब इनकी माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है वो क्या कहला रही है हमारे पास? माइक्रोबायोलॉजी कहला रही है, ठीक है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया द स्टडी, बैक्टीरियल स्टडी हम क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास वायरसेज हैं, वायरसेज की स्टडी हमारे पास क्या कहलाएगी? वायरोलॉजी कहलाएगी। एंड द थर्ड वन इज़ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की हमारे पास जो स्टडी क्या कहलाएगी? प्रोटोजोलॉजी कहलाएगी। फंजाई है हमारे पास, फंजाई की हम स्टडी को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। एंड माइक्रोस्कोपिक अल्गा जो है, अब उस अल्गा की जो स्टडी कहलाएगी वो एल्गोलॉजी कहलाएगी। तो इन तमाम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी कहला रही है वो क्या कहला रही है हमारे पास? माइक्रोबायोलॉजी कहला रही है। एंड द फोर्थ वन इज ब्रांच इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी हमारे पास मौजूद है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। उन तमाम ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। उन अब फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर रह रहे होते हैं। अब फ्रेश वाटर बॉडीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ
दीज H2O बॉडीज हैं। अब फ्रेश वाटर हमारे पास होता कौन सा है? फ्रेश वाटर हमारे पास जो होता है वो जिनकी PPM वैल्यू जो होती है वो 35 से बिलो होती है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलीमीटर होता है, ठीक है, PPM 35 से जो बिलो होती हैं ये सारे के सारे फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं। ऐसा वाटर जिसके अंदर जिसकी PPM वैल्यू 35 से बिलो होगी वो हमारे पास क्या होगा? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो और उन फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होगी वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो है इसके अंदर मैरीन बायोलॉजी है। मैरीन बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशन है, यानी कि स्टडी ऑफ यानी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो सीज के अंदर और ओशंस के अंदर रह रहे होते हैं, इन तमाम की जो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है वो मैरीन बायोलॉजी कहला रही होती है, ठीक है। अब मैरीन वाटर कौन सा होगा? मैरीन वाटर वो होगा जिसकी वैल्यू जो है 35 से मोर देन 35 PPM है, ठीक है। तो मोर देन 35 जिसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास कौन सा होगा? मैरीन वाटर होगा। और मैरीन वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास? मैरीन बायोलॉजी कहलाएगी। द वेरी नेक्स्ट ब्रांच पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। अब पहली बात यह है कि पैरासाइट होते कौन से हैं, ठीक है। पैरासाइट एक एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन होस्ट एंड इन रिजल्ट हार्म देम। एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है यानी कि होस्ट के अंदर, अपने होस्ट के अंदर, होस्ट कहते हैं मेहमान को, सही है, जो उसके पास रहता है एंड इन रिजल्ट उससे क्या करता है? अब वो इनटेक करता है खुराक को भी और शेल्टर को भी, फूड और शेल्टर को इनटेक करता है और रिजल्ट के अंदर क्या कर रहा होता है? उसे हार्म देम कर रहा होता है यानी कि नुकसान देता है, क्योंकि वहां पर वो रिहाइश भी ले रहा है और अपनी रहने के लिए रिहाइश के साथ साथ खुराक भी ले रहा है और उसके रिजल्ट में उसे नुकसान दे रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कह देते हैं, ठीक है। पैरासाइट की स्टडी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है लीच है एंड हुक वर्म है हमारे पास, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो और पैरासाइट की जो स्टडी कहलाती है वो हमारे पास क्या कहला रही होती है? पैरासाइटोलॉजी कहला रही होती है। और इस ब्रांच को हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल, उसे हम पैरासाइटोलॉजी कह रहे हैं। द वेरी नेक्स्ट ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी हमारे पास है। ह्यूमन बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एज ह्यूमन बायोलॉजी। दिस ब्रांच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटमी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड एक्सेट्रा। यानी कि ह्यूमन की हम स्टडी कर रहे हैं। अब ह्यूमन के अंदर मॉर्फोलॉजी आएगा यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, हिस्टोलॉजी उसकी सेल्स का मुताला कहलाएगा, एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, एवोल्यूशन उसके बाद जेनेटिक्स जीन्स का मुताला आएगा, सेल बायोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी एट सेल लेवल के अंदर जो उसकी बायोलॉजी है उसकी स्टडी कहलाएगी। इस तमाम की स्टडी क्या कहलाएगी हमारे पास? ह्यूमन बायोलॉजी कहला रही होगी। द सेकेंड लास्ट ब्रांच ऑफ टुडे टॉपिक इज सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या कहलाती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर यानी माशरती रवैया हमारे पास जो है, एंड कम्यूनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग है, और कम्यूनल लाइफ यानी कि कम्युनिटी एक रहती है तो उसके अंदर उसकी कम्यूनल लाइफ जो है ह्यूमन बीइंग की, और उसके साथ साथ उसका सोशल बिहेवियर क्या है, तो हम इन दोनों की जो स्टडी कहलाती है वो सोशल बायोलॉजी कहला रही होती है। द लास्ट ब्रांच, वेरी लास्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज ए ब्रॉडर कैटेगरी, इट इज़ अ वेरी वैस्ट फील्ड। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन दिस कैटेगरी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, ह्यूमन की फलाहो बहबूद के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो बैक्टीरिया से हमने पहले इंसुलिन तैयार की, ठीक है, तो पहले इंसुलिन हमने तैयार की बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया क्या चीज़ है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने यूज़ किया इंसुलिन बनाने के लिए, सही है। तो ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।
तो यहाँ पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में